नमस्कार, आज हम एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में बात करेंगे। एंडोमेट्रियल कैंसर यानी सरल शब्दों में बोले तो यूट्राइन कैंसर या गर्भाशय का कैंसर। एंडोमेट्रियम जो महिलाएं होती हैं उनमें जो यूट्रस होता है उसकी जो परत होती है उसके एंडोमेट्रियम बोलते हैं और उसमें होने वाले कैंसर को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बोलते हैं। अब पहला सवाल हमारा यह आएगा कि एंडोमेट्रियल जो कैंसर होता है वो किस कारणवश हो सकता है। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। महिलाओं में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स होते हैं। अगर उसमें इस्ट्रोजन हार्मोन की एक्सेसिव वृद्धि होती है तो वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने का प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा ओबेसिटी मतलब मोटापा, अगर फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कोलन एंडोमेट्रियल कैंसर के तो भी उन पेशेंट्स में ज़्यादा रिस्क है। इसके अलावा पीसीओएस वाले पेशेंट, इसके अलावा जिनका पीरियड जल्दी स्टार्ट हुआ है या मिनोपॉज लेट हुआ है, ये जो सारे पेशेंट्स होते हैं ये एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए हाई रिस्क में काउंट होते हैं। अब ये है कि एंडोमेट्रियल जो कैंसर होता है उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। मेन लक्षण तो होता है पीरियड्स में इरेगुलरिटी। अगर आपको माहवारी के बीच में ब्लीडिंग हो रहा है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, गट्ठे पास हो रहे हैं, महिलाओं में नॉर्मली 60 साल के बाद होता है, तो 60 साल से अधिक की वर्ष में मीनोपॉज के उपरांत ब्लीडिंग का होना, इसके अलावा बदबूदार या अत्यधिक सफ़ेद पानी का स्राव होना, पेशाब में दिक्कत होना, पेशाब में दर्द होना, पेट में दर्द होना, योनि मार्ग में या कहीं पर कोई खिंचाव आपको इस तरह का महसूस हो रहा है और पेट में दर्द है, सूजन है, और ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये सारे आपको एंडोमेट्रियल कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। अब हम इसका पहले है कि डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं। इसके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के डायग्नोसिस के लिए हम लोग अर्ली उसमें अगर हमें कोई पेशेंट इस तरह का दिखता है तो हम लोग उसमें अल्ट्रासाउंड, एमआरआई जो इमेजिंग है, इसके अलावा पैथोलॉजी के साइड से जाएँ तो उसमें हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन में ही एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले सकते हैं और उसको फिर हमें पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और पैथोलॉजिस्ट उसमें देखता है कि अगर जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि हमें कैंसर की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इसका इलाज कैसे हो सकता है। अगर बहुत अर्ली स्टेज पेशेंट्स होते हैं तो उसका हम आराम से ऑपरेशन करके इलाज कर सकते हैं, ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अलग अलग भी हैं। अब लेटर स्टेजेस में हम लोग रेडिएशन और इसका कीमोथेरेपी से भी इलाज किया जा सकता है और जितने जल्दी हम अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट का सर्वाइवल पीरियड उतना अच्छा रहता है। धन्यवाद।